हाय, दिस इज़ विकास फ्रॉम PAEC। मैं अभी चंदाओ यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस पर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, और मेरे ठीक बैक साइड में ये चंदाओ यूनिवर्सिटी है। अभी मैं आपको पूरा कैंपस का टूर करवाने वाला हूँ। मेरे साथ में है कुणाल, जो कि नागौर से राजस्थान से हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और प्रिंस गौतम फर्स्ट ईयर से हैं, MP से हैं। तो आइए हम पूरा चंदाओ यूनिवर्सिटी का मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन एंट्रेंस है ना। ये इस तरफ सारे डॉम्स हैं। और ये मेन एंट्रेंस और ये बिल्डिंग। अच्छा, हर वक्त खुली रहती है, बस आपके पास कैंटीन कार्ड होना चाहिए, तो बना देंगे यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, फिर उसके अंदर एंट्री मिलेगी, तभी तक पढ़ सकते हो आप। 24 आवर्स ओपन रहती है ये टीचिंग बिल्डिंग। अच्छा, चाइनीज स्टूडेंट्स की टीचिंग बिल्डिंग है ये। वेस्टर्न कैंपस है सारा, यहाँ पे जो एरिया है ये सारा वेस्टर्न कैंपस है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो एंटर एंट्रेंस है वो वेस्टर्न एंट्रेंस है, जहाँ से हम लोग का डॉर्मेटरी वगैरह है सब। टोटल कितने कैंपस हैं यहाँ पे? टोटल 4 कैंपस है। टोटल 4 कैंपस हैं। यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स कितने हैं एफिलेटेड? यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स मेरे को आइडिया नहीं है, मगर 40 एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं। 40? हाँ, राउंड ऑफ। बेसिकली यहाँ पे जैसे वेफांग से भी बच्चे आते हैं, यहीं पे आते हैं इंटर्नशिप करने। चिंडाओ यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ की, ऐसे बोला जाता है। अच्छा, जैसे वेफांग से अभी हमारे सीनियर्स हैं कुछ जो आए हैं यहाँ पे, कुछ अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं, जैसे जो टॉपर लोग होते हैं वेफांग से, उन लोगों ने भेजा है चिंडाओ के म्यूनसिपल हॉस्पिटल में, इंटर्नशिप कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो वो यहाँ के जितने भी एफिलेटेड हॉस्पिटल है वो यहाँ पर ही आते हैं बेसिकली, बच्चे यहाँ पर इंटर्नशिप करने आते हैं, तो यहाँ की इंटर्नशिप अच्छी है बहुत, ऐसा बोला जाता है चिंडाओ यूनिवर्सिटी। हाँ, तो फर्स्ट सेम में क्या रहता है सिलेबस? फर्स्ट सेम में इस बार चाइनीज़ है डेली इन लोगों के, और जनरल केमिस्ट्री है, हम लोग के कंप्यूटर एक्स्ट्रा थी पिछली बार, तो इस बार बेसिकली HS के जब से किया है इन लोगों ने, HS के लेवल 4 क्लियर करना है। जब ये आपको डिग्री देंगे ये लोग यूनिवर्सिटी वाले, तो आपको चाइनीज़ पे ज़्यादा फोकस कराएंगे अब आने वाले टाइम पे सब पे। और सेकेंड सेम में क्या स्ट्रक्चर होता है? सेकेंड सेम में होगा एनाटमी आ जाएगी इन लोग की, जूनियर्स की, और एनाटमी है और चाइनीज़ है। अच्छा, और फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री। और सेकेंड ईयर फर्स्ट है केमिस्ट्री फिजिक्स एस्ट्रोलॉजी। सेकेंड ईयर से फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर से हो जाएगी एस्ट्रो हो जाएगी, BMC हो जाएगी। अच्छा, सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स? हाँ, मेडिकल सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे थर्ड ईयर से। ये कैंटीन है यहाँ की, ये चाइनीज़ कैंटीन है या सारे इंटरनेशनल? इंडियन फूड कम मिलता है इसमें। अच्छा, राइस मिलते हैं, चिकन खा सकते हो, टोफू इधर बोलते हैं वो आप खा सकते पनीर हो, पनीर जैसा होता है, पनीर जैसा होता है टोफू, और बेसिकली बॉइल्ड वेजिटेबल्स से सारी चीज़ें इनकी, वो सूप बनता है उसको ले लेके खाते हैं। और अगर कोई वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन है तो उसको वो बेसिकली कुक करना ही पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ टोफू राइस मिलेंगे। वेजिटेबल मिलते हैं, आलू है, आलू उबाल के देते हैं ये लोग। अच्छा, फ्राई करके नहीं देते? फ्राई करके, हाँ, मतलब थोड़ा से मसाले बहुत कम होते हैं, खा सकते हैं, भूखा कोई नहीं रहेगा। अच्छा, थोड़ा टफ होगा अडेप्टेशन, मगर हो जाता है। एनाटॉमी लैब भी यही है? एनाटॉमी लैब इधर ही है प्रैक्टिकल। अच्छा, क्या नाम है इस बिल्डिंग? ये प्लेग्राउंड। ये प्लेग्राउंड है यूनिवर्सिटी का। ये बोया बिल्डिंग है, एनाटॉमी बिल्डिंग, बोया बिल्डिंग। अच्छा, और यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है सारा, बेसिकली चाइना में बास्केटबॉल ज़्यादा खेलते हैं। अच्छा, और कॉमन स्टेडियम ये है फुटबॉल खेलना।
चाइनीज वगैरह के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने काम से मतलब रखते हैं। और चिंडाओ में चाइनीज लोगों के लिए एडमिशन बहुत मुश्किल होता है इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, कम्पीट करना पड़ता है। अच्छा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब अपने से मतलब रखते हैं। और आप सही हो तो सब सही है, अगर आप ट्रबल किसी को करते हो तो फिर आपको ट्रबल करेंगे करेंगे। टीचर्स वगैरह का भी बिहेवियर वगैरह सब सही? टीचर्स का सही है, एकदम सही है। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, जब बोलोगे जब समझा देंगे, ऐसे नहीं जल्दी छोड़ देंगे या पहले क्लास स्टार्ट कर देंगे, नहीं, टाइम पे एकदम फिक्स टाइम रहता है उनका और शेड्यूल से चलते हैं ये लोग। अच्छा, चाइना में बहुत शेड्यूल चलता है, मतलब बहुत पंचुअलिटी टाइम की होती है। हाँ। अच्छा, टाइमिंग क्या रहता है क्लासेस का? क्लासेस का जैसे अभी इनका चाइनीज़ है तो चाइनीज़ मोस्टली होगा HYNT बिल्डिंग, वहाँ पे होगा पीछे डॉर्मेटरी के, तो HYNT बिल्डिंग में होगा चाइनीज़ क्लासेस, उसका होगा 1.5 से 3.5 क्लासेस होगा। अच्छा, और एक जनरल केमिस्ट्री होगा, वो कभी भी हो सकता है, जैसे सुबह 8 से लगभग 2 घंटे की क्लास होती है सारी, तो 8 से 10 हो जाएगी या लेट हो जाएगी, शाम को हो जाएगी, तो उस पर डिपेंड, इनका मिल गया इनको शेड्यूल। अच्छा, तो देखना पड़ेगा। और लंच ब्रेक 12 से 2 फिक्स रहता है? लंच ब्रेक 12 से 1.5 बजे क्लास स्टार्ट होगी। 12 जैसे अगर आपकी 3 घंटे की क्लास है, जैसे हम लोग की हिस्टोलॉजी चलती है तो 8 से 11 है वो हिस्टोलॉजी की क्लास। अच्छा, तो फिर 11 के बाद में आपका ब्रेक टाइम है 1.5 बजे तक, 1.5 बजे से चाइनीज़ क्लास। अच्छा, बच्चों को टाइम मिल जाता है इजीली कुक करने का? बहुत आराम से, हाँ मिल जाता है। 3 क्लासेस होती तो दिक्कत होती है, वरना तो मिल जाता है। 2 क्लासेस होती तो एक बार खाना बना लो दोनों टाइम का। अच्छा, तो चल जाता है और ख़राब भी नहीं होता, ठंड वंड पड़ती है गर्मी में फ्रिज ले लो बस। अच्छा, तो अभी जैसे सर्दियों में कितना ज़्यादा है टेम्परेचर? सर्दियों में -4 -5, सर्दी बहुत ख़तरनाक पड़ती है, यहाँ पे स्नोफॉल होता है। और विंटर ब्रेक्स में मोस्टली घर पे जाना ही प्रेफर करो, क्योंकि यहाँ की सर्दी अनट्रॉलेबल होती है, अगर आप बहुत ही हॉट क्लाइमेट से आए हो यहाँ पे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर वेदर तो बहुत प्लेजेंट रहता है यहाँ पे। अच्छा, मन लग जाता है। पर फिर भी ठीक है, जिलिन वगैरह वहाँ से तो, हाँ, जिलिन में तो बहुत माइनस, वो थोड़ा नॉर्थ में आ जाता है शाम तक। और चिंदाओ सिटी कैसा है, मतलब ओवरऑल? चिंदाओ सिटी बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, 3rd most expensive city ऑफ द चाइना चिंदाओ है, मगर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, घूमने की बहुत जगह है, टूरिज्म को बहुत अट्रैक्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास लगी उधर। वेकेशंस कैसे रहते हैं? वेकेशंस विंटर ब्रेक्स होती है, एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मिड जनवरी से, 1 महीने की होगी विंटर वेकेशन में, और समर्स में होता है 2 महीने का, 1.5-2 महीने, 45 days to 60 days तक होता है, 45-50 days। समर वेकेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, विंटर ब्रेक्स थोड़ा कम होता है, 1 महीने का होता है विंटर ब्रेक्स। सिटी का कैंटीन।